हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 हीट साइंस का क्लास 7 का देखेंगे। सो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट चीज़ हमारे पास टेम्परेचर और थर्मामीटर के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो टेम्परेचर है वो है मेजर करना किसी हॉटनेस किसी चीज़ की हॉटनेस को, और जो थर्मामीटर है वो उससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर एक डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है जिसका नाम है थर्मामीटर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। हमारे पास तीन टाइप के थर्मामीटर होते हैं। एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और इसका क्या ये आपको इधर दिख सकता है कि इधर क्लिनिकल थर्मामीटर है, तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि वो लॉन्ग है, नैरो है, यूनिफॉर्म ग्लास है। इसमें एक बल्ब है एक एंड में, और इस बल्ब में मर्क्यूरी कंसिस्ट करती है। सो इसमें इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद हमारे पास है क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें अब आपको बताया जाएगा रीडिंग अ थर्मामीटर, मतलब किसी थर्मामीटर को कैसे रीड करना है। इसमें हमें कुछ बता रहे हैं जी, तो मैंने इधर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ली है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो थर्मामीटर जो है उसको हमेशा वॉश करना है, क्लिनिकल थर्मामीटर को, बिफोर एंड यूज़ उसके यूज़ से, मतलब पहले और बाद में उसके यूज़ से, क्योंकि वो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करके आप उसको साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो मर्क्यूरी लेवल है, बिफोर द यूज़ या जब भी आपको मेजरमेंट जो भी करनी है उसके यूज़ से पहले आपको 35 डिग्री सेल्सियस बिलो का होना चाहिए वो। ओके, नेक्स्ट इज़ थर्मामीटर को जब हम लोग उसकी जब भी थर्मामीटर से टेम्परेचर वगैरह जो भी मेजर करेंगे तो उसकी जो मर्क्यूरी लेवल है वो अलॉन्ग अ लाइन ऑफ साइट पे होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जो हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, बिकॉज हैंडल अगर हम थर्मामीटर को अच्छे से केयर से नहीं करेंगे तो वो किसी मतलब मुश्किल हार्ड चीज़ जैसे कि बहुत ही पत्थर जैसी चीज़ से जाकर बजेगा तो वो फिर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप कांच को अगर किसी पत्थर से मारेंगे तो वो तो टूटेगा ही ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है होल, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल टेकिंग इट्स रीडिंग। मतलब जब भी आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करें तो आप उसको बल्ब से मत पकड़िएगा, उसकी रीडिंग नहीं तो सही तरीके से नहीं आएगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस की ही रेंज है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप का थर्मामीटर आता है विच इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ थर्मामीटर है। जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट्स का या सॉल्यूशंस का मेजर करने के लिए टेम्परेचर यूज़ होता है। ओके, सो इसमें क्या है, इसमें -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस का ही रेंज है इसमें, बिकॉज इसमें ज़्यादा तेज चीज़ नहीं है। और सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो थर्मामीटर टाइप है, इतना बड़ा लाइक स्टिक टाइप है, तो वो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो इतना सा होता है, जिसमें आपको दिखा देती हूँ, वो इतना सा होता है जिसे आप इधर देख सकते हैं। ये है क्लिनिकल थर्मामीटर और ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज थर्ड थर्मामीटर विच इज दिस। इसमें क्या इन्होंने बोला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये जो थर्मामीटर है ये वेदर की रिपोर्ट्स या वेदर को बताने के लिए यूज़ होता है। मतलब इसमें वेदर की जो है मेजरमेंट होती है कि आज बारिश रहेगी या जो भी है सब कुछ सही रहेगा ये वो। नेक्स्ट मैंने अभी वापस अपनी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ली है गाइस। सो इसमें इन्होंने अब थोड़ी लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में कुछ प्रिकॉशंस लेने को जो बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो थर्मामीटर है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसको अपराइट रखना है, ऐसे करके रखना है, उसका जो बल्ब है वो नीचे आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ कि उन्होंने ऐसे बल्ब जो है उसका नीचे आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब और इन्होंने क्या बोला है। अब इन्होंने कहा है जो आपका जो ये लीजिए, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, तो ये थर्मामीटर इधर है, इसका जो बल्ब टाइप है वो नीचे है, और साथ में इन्होंने क्या बोला है कि जो सोल्यूशन है वो उसके सराउंड होना चाहिए और जो थर्मामीटर है वो नीचे सरफेस पे नहीं लगना चाहिए। सो ये बात उन्होंने आपको समझाने के लिए ये थर्मामीटर के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है।
अब हम जाते हैं थोड़े नेक्स्ट पॉइंट पे और द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज़ कंडक्शन. सो इधर कंडक्शन का आपको एक डायग्राम भी दिख रहा है कि वो कैसा डायग्राम है. इन्होंने ये बताया गया है इसमें कि ये हॉटर एंड टू कोल्डर कूलर एंड पे इसका जो प्रोसेस है वो जाता है. सो इसका एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, उसके डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. सो इन्होंने ये बोला है कि जो कंडक्शन है कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक हीट की ट्रांसफर या पास होती है. नेक्स्ट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स वो मटीरियल्स होते हैं जो हीट को अपने अंदर से पास में देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर. नेक्स्ट इज इंसुलेटर. इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है वाटर एंड एयर. सो नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन वो होता है कि एक सब्सटेंस है उससे इधर सराउंडिंग्स पे हीट ट्रांसफर हो रही है. ओके सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपने ये कर लिया तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो पक्के ही लिखे हुए हैं. बाकी चीज़ें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने हैं, बट जो मेन चीज़ है वो है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ये हर एग्ज़ाम में, हर एक क्लास में आपको साइंस में पूछा जा सकता है. तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, रीड कर लीजिए, जो आपने करना है कर लीजिए, बस आपके दिमाग पे ये फिट हो जाना चाहिए. सो सी ब्रीज में ये बोला है कि कोस्टल एरियाज में कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि दिन के टाइम लैंड जो होती है वो हीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है वाटर के थ्रू, मतलब वाटर से पहले ज़्यादा गर्म हो जाती है. तो जो एयर होता है वो लैंड बिकम्स हॉटर और लैंड की जो एयर होती है वो राइज अप हो जाती है. तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड्स, मतलब जो कूलर एयर है सी की वो लैंड के पास चले जाती है. जैसे मान लीजिए ये सी है तो इसकी जो कूलर एयर है वो लैंड पे जा रही है. तो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो उधर के जो थोड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हाउस कोस्टल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो हाउस के जो उनका जो खिड़कियाँ होती हैं वो सी की तरफ ही बनाते हैं ताकि फेस द सी करते हैं, ताकि क्या हो कि अच्छी कूल एयर सी से जो है वो उनके घर पे आए, क्योंकि वो तो लैंड में ही अपने ऑब्वियसली वो अपने लैंड में ही बनाएंगे अपना घर, तो इसलिए वो सी की तरफ उसका घर की शीशों का मुंह रखते हैं. नेक्स्ट इज, तो इसको हम सी ब्रीज बोलेंगे, मतलब द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. तो सी ब्रीज का उन्होंने ये बोला है. तो जब रात होती है तो वो उसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है, क्योंकि द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड. ओके सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी विच इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. नेक्स्ट इज अब आपको डे टाइम का मैं आपको बता रही थी ना कि जो सी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वो अपना जो एयर होती है कूलर एयर होती है तो वो लैंड की तरफ जाती है, और इसलिए लोगों ने अपने जो घरों के दरवाजे शीशे जो भी हैं वो लैंड की तरफ से सी की तरफ पे मतलब उसके शीशे रखे होते हैं. नेक्स्ट इज़ ये कूलर और हॉटर का आपको इधर फर्क पड़ जाता है, समझ जाता है. तो अब इन्होंने क्या बोला है, रात के वक्त क्या होता है, लैंड जो है वो ठंडी हो गई है, अब उसकी जो कूल एयर है वो सी की तरफ जा रही है, जैसे आप इधर देख सकते हैं. ओके नेक्स्ट इज रेडिएशन. सो रेडिएशन में इन्होंने क्या बोला है कि जो रेडिएशन है सन की जो हीट है वो कम्स वो हमारे पास आती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ओके सो दिस वॉज योर चैप्टर 4. होप यू लाइक माई वीडियोज़. और अगर गाइस आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं और उससे मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे सेटिस्फाई नहीं होती मैं कि लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बट उन्होंने कमेंट नहीं किया, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत को लोग समझ रहे हैं. सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.